ये जो मैं लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप इसे लिख लेंगे, साथ नोट्स बना लेंगे, लेक्चर को सुनते सुनते साथ साथ आप अगर इसके नोट्स बना लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ना ये कोड याद हो जाएगा। अब ये कोड कहता क्या है, इस कोड को सबसे पहले हम थोरोली ओवरऑल डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट 50% क्लियर हो जाए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 22 मार्च 1898 को, 1898 में इसको फॉर्म किया गया था, और इसकी इन्फोर्समेंट जो हुई थी 1 जुलाई 1898 को हुई थी, जब इसे नाफज किया गया था। ज़ाब्ता फौजदारी के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 9 पार्ट्स हैं, और हर 9 और जितने भी इसके ये 9 पार्ट्स हैं, इनमें कुल 46 इसके चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 18, 21, 23 को मिटा दिया गया है, उसे ओमिट किया गया है, जिसमें सेक्शंस नंबर 206 से 220 जो कि चैप्टर 18 में ही हैं, और सेक्शंस नंबर 251 से लेकर 259 तक, और चैप्टर 23 में 266 से लेकर 336 तक जो हैं उनको भी ओमिट किया गया है। ये वही सेक्शंस हैं जो इन तीनों चैप्टर्स के अंदर मौजूद थे। जब वो ओमिट हो गए चैप्टर, तो समझ लें कि सेक्शंस भी ओमिट हो गए, और ये बेर एक्ट के ऊपर ऐसे ही मेंशन किए गए हैं। और ये चैप्टर्स 18, 21 और 23 पार्ट नंबर 6 में हैं, जिसका नाम प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन है, यानी प्रोसीडिंग्स के अंदर ये चैप्टर्स हैं तीनों, और इनके ये तीनों चैप्टर्स को पार्ट नंबर 6 प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन में से इन्हें ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद कुछ और भी हैं जिन्हें ओमिट किया गया है, वो पार्ट नंबर 8 में है, जिसका नाम है स्पेशल प्रोसीडिंग्स। इसके बाब नंबर 33, बाब से मुराद चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 33 से 36 को भी ख़त्म कर दिया गया है। इनके सेक्शंस 443, 440, 63 तक जो है इन्हें ओमिट किया गया है, जो इस चैप्टर नंबर 33 में थे, और सेक्शंस 488 से 490 तक को मनसूख कर दिया गया है। इस कोड के आखिरी पार्ट जो कि पार्ट नंबर 9 है, उसमें मौजूद एक चैप्टर नंबर XLIVA था, यानी चैप्टर नंबर इसके अंदर ये जो था, और इसके सेक्शंस को मनसूख कर दिया गया है, यानी कुल मिला के 6 चैप्टर्स को मनसूख किया गया है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 18 है, 21 है, 23 है, उसके बाद पार्ट नंबर 8 में चैप्टर नंबर 33 और 36, और इसके अंदर जो मौजूद सेक्शंस थे उन्हें भी, और पार्ट नंबर 9 में एक चैप्टर था XLIVA, उसको भी मंसूख कर दिया गया। इस तरह इसके चैप्टर्स कितने बच गए, इसके 40 चैप्टर्स बन गए हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। आपने अब वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, इस कोड के जो 9 पार्ट्स मौजूद हैं, हर एक बाब चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं, यानी हर एक चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, और कुछ के नीचे ग्रुप ऑफ सेक्शंस दिए गए हैं, यानी एक सेक्शन के नीचे 4-5 और सब सेक्शंस हैं, और इसके साथ साथ इसके नीचे वजाहतें भी दी गई हैं, एक्सप्लेनेशंस, और उनकी नीचे मिसालें भी दी गई हैं, वजाहतों के साथ साथ मिसालें भी दी गई हैं। इसके कुल सेक्शंस की तादाद जो कि कोड में ओवरऑल टोटल लिखी हुई है, वो है 565, 565 मौजूद हैं, उनमें से 118 मनसूख हो गए हुए हैं, जो हमने ऊपर पहले डिस्कस कर लिए हैं, जो पार्ट नंबर 6 में और पार्ट नंबर 8 में और 9 में हैं। इन सब सेक्शंस के मनसूख हो जाने के बाद हमारे पास जो पीछे पढ़ने वाले सेक्शंस रह जाते हैं वो 447 हैं। 447
447 हमने सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं, और इससे आगे आपको और भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। वो ऐसे मिलती है कि ये जो पीछे 40 चैप्टर्स हमारे बचे हैं, इन चैप्टर्स के अंदर से भी बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको ओमिट कर दिया गया है, तो ये और कम हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ हमने आगे मेन चीज़ जो देखनी है कि ये कोड हमारा कंप्लीट कब होता है। पहले हमने इसके पार्ट्स, सेक्शंस, चैप्टर्स और उनके अंदर जो इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस हैं उनके बारे में ओवरऑल डिस्कस किया कि हमारे पास कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मैं पता चला कि हमारे 447 सेक्शंस जो हैं वो सिंपली इन चैप्टर्स के ओमिट होने से ही रह जाते हैं, और 118 के करीब जो हमारे सेक्शंस हैं 6 चैप्टर्स के अंदर जो ओमिट हुए हैं, जो मौजूद थे, उनकी हमें रिलैक्सेशन मिल गई है। हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें 5 शेड्यूल हैं जिसके नाम, पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल, चौथा शेड्यूल, पांचवा शेड्यूल। पहला शेड्यूल जो इसका है, फर्स्ट शेड्यूल, वो भी ओमिट हुआ हुआ है। दूसरा शेड्यूल जो है उसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जितनी भी पनिशमेंट्स दी गई हैं कॉलम्स में, उनको दिया गया है। और तीसरा शेड्यूल जो है वो हमारे सेक्शन 36, जो हमारे ऊपर वाले सेक्शंस हैं जो हमने अपने पार्ट्स में आगे डिस्कस किए हैं इस कोड के, तो उसके सेक्शन 36 में भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि मजिस्ट्रेट्स की जो ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो तीसरे शेड्यूल में अच्छे से बयान की हुई हैं। अब तीसरा शेड्यूल हम एंड पे पढ़ेंगे। बेसिकली ऑर्डिनरी पावर्स वही होती हैं जो उनको उनकी ओरिजिनल लिमिट्स के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, स्पेसिफिकली, स्पेशली उसे ये चीज़ें या एडिशनली उसे प्रोवाइड नहीं की जा सकती। वो आम तौर पर किसी भी मजिस्ट्रेट की पावर होती है, उसको ही ऑर्डिनरी पावर कहते हैं। चौथा शेड्यूल जो है वो एक्स्ट्रा पावर्स विच कैन बी इन्वेस्टेड इनटू मजिस्ट्रेट्स। ये सेक्शन जो है ना 37 के साथ इसका रेफरेंस कोट हुआ है, यानी 36 में ऑर्डिनरी पावर्स हैं मजिस्ट्रेट की और 37 में एडिशनल पावर्स हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। और लास्ट में हमारे पास 5th शेड्यूल है, उसके अंदर फॉर्म्स मौजूद हैं, जो फॉर्म्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में प्रोसेस ऑफ सूट, प्रोसेस ऑफ समन्स में, ठीक है, प्रोसेस एज टू प्रोडक्शन में, एज टू प्रोड्यूस एविडेंस में, एज टू इन्वेस्टिगेशन, उसके रेलेवेंट फॉर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, और जो